ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस् तेनात्मनापो वनलमूर्तिरत्वरन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायुवात्मनाखं बृहदात्मलिंगम। आप प्रस्तुत जो है भगवत भक्त का जो ब्रह्मांड भेदन, इनमें तीन बताया ना, तीन गति है जो ब्रह्म लोग प्राप्त करते हैं। एक तो आएगा वापस लौट करके, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, और दूसरा ब्रह्मा जी के साथ छुट्टी पाएगा, उसकी भी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा जी की आयु खत्म हुई वो चला जाएगा। तीसरी की चर्चा करना जरूरी है, जो यहां शरीर में रहते वक्त जीवन मुक्त नहीं हो सका, वहां जाकर जीवन मुक्त हो गया और उसके बाद स्वतंत्रता है उसको, स्वेच्छापूर्वक जा सकता है, तो कैसे जाता है वहां, वहां से स्वरूप में विलीन किस तरह से होता है वो बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। वो तो ब्रह्मांड भेदन करता है, आपने कहा ब्रह्मांड भेदन कैसे करता है। हाँ, क्रम मुक्ति तो है, ये तो क्रम मुक्ति के वहां गया है, क्रमशः तो श्लोक में तक गया, वहां जाने के बाद मुक्त हो रहा है ना, विधेय मुक्त हो रहा है, क्रम मुक्ति के अंतर्गत ही तो हुआ ये तथा इत्यादि ना। यहां पर एक प्रक्रिया है, पहले आप श्लोक का व्याख्या करने से पहले कि कामयाब जाएंगे, विस्तृत ढंग से समझाया है तो श्लोक शब्द समझ में आएगी। ईश्वर अधिष्ठिताया प्रकृति केनचित अंशन महतत्व भवति। ईश्वर अधिष्ठिता जो प्रकृति है वह अपने किसी अंश के द्वारा पहले महतत्व के रूप में प्रकट हो जाती है, कौन प्रकृति, तस्य अंशेन अहंकार, उस महतत्व के एक अंश को लेकर के अहंकार की उत्पत्ति हुई। तस्यांशन शब्द तन्मात्र द्वारा नवः, तस्यांशन स्पर्श तन्मात्र द्वारा वायु, तस्यांशन रूप तन्मात्र द्वारा तेज, तस्यांशन रस तन्मात्र द्वारा आप, तदंशन च गंध तन्मात्र द्वारा पृथ्वी। उस अहंकार के अंश को लेकर शब्द तन्मात्रा की सहायता माध्यम से आकाश उत्पत्ति, और तस्यांशन उस काव्य अंश के द्वारा स्पर्श तन्मात्रा के माध्यम से वायु की उत्पत्ति, उस काव्य अंश को लेकर के रूप तन्मात्र द्वारा तेज उत्पत्ति, फिर उसके भी अंश के द्वारा रस तन्मात्र द्वारा जल, उसके भी अंश के द्वारा तन्मात्रा से पृथ्वी उत्पत्ति होगी। तैश्च मिलते चतुर्थ भुवनात्मकम विराट शरीरम, ये मिल करके पंचभूत मिल कर क्या करेंगे, चतुर्दश लोकात्मक जो विराट शरीर है इसका निर्माण होता है। तस्य पंचाशत कोटि योजन विशालस्य पृथ्वी एव अंड कटाह विशेष शब्द वाच्या कोटि योजन विशालम प्रथमावरणम भवति। यह 50 करोड़ योजन लंबा चौड़े ब्रह्मांड है, 50 करोड़ योजन है। पृथ्वी एव अंड कटाह विशेष शब्द, उसमें पृथ्वी को ही लेकिन इस अंड के ब्रह्मांड का कटाह के सादृश्यता मानता हुआ कटाह शब्द वाच्य रूपेण गृहित है, जो कि 1 करोड़ योजन विशाल है। यही इस ब्रह्मांड का आत्मा का प्रथम आवरण है। पंचाशत कोटि योजन विशाल मिति एक है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं ये पृथ्वी ही 50 करोड़ योजन विशाल है। ततश्च खैर जो भी पक्ष हो, अबादिनाम ये परिणता अंशा तान ये उत्तरोत्तरम दश गुणान गुणानी आवरणानी, और इसके बाद पृथ्वी के ऊपर जल, जल के ऊपर अग्नि, अग्नि के ऊपर वायु, वायु पर आकाश, और जो आवरण होते हैं ये देख से 10-10 गुणा बढ़ते जा रहे हैं। ये उत्तरत्रापि दृष्टम, इसी पर आगे भी अहंकार तो महत्व को भी ले लेना। निर्भय कथम यास्यामिति शंका शून्य सन तदेव स्थिति प्रकृति आवरण व्यापकम एव अष्टमम, तो इसलिए तो 5 ही हो गया, पहले 2, 7 ये अंत में 8। अष्टमम तो 8वां कौन है, स्वयं प्रकृति ही है। ये 5 भूत हो गया, 6ठा अहंकार, 7वां महतत्व, 8वां प्रकृति रूप ही आवरण। तदेव स्थिति पृथ्वी आदि आवरण भेद प्रकार कथ्य थे। इस प्रकार से अष्ट आवरणों को भंग करके 9वां जो प्रस्वरूपभूत तत्व है जिस पर आवरण 8 माने गए, वो स्वरूप को प्राप्त करने का प्रक्रिया को बताया जा रहा है। अच्छा, ततो विशेषम प्रतिपद्य निर्भय तथा विशेषम प्रतिपद्य लिंग देहेन पृथ्व्यात्मताम प्राप्य इत्यर्थ। लिंग देह की तरह विशेष क्या है, सबसे विशेष कौन है, सबसे सूल ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के तात्पर्य पृथ्वी मान देवता के साथ तादात्म्य हो जाएगा।
एवं उत्तरत्राभि दृष्टि। इसी प्रकार से फिर जलाभिमानी देवता, अग्निभिमानी देवता, वायुभिमानी देवता, आकाशाभिमानी देवता, इन सब मेरे साथ तादात होता हुआ उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाता है निर्भय, क्योंकि उसको भय नहीं है मैं कैसे जाऊं, ऐसा कोई भय नहीं। उसकी आई जो वो भगवत उपासना, भगवत भक्ति रूपा जो बल है, उस बल के अंदर निर्भयता पर को चलता है। तेन आत्मनापो अनल मूर्ति रत्वरन कर दिया, तेन ईव आत्मा, उसी लिंग शरीर के द्वारा वह जल अग्नि आदि भाव को प्राप्त करता है, तो मूर्ति में तो देवता भाव को प्राप्त करता हुआ तेन आत्मना पृथ्वी रूपेण तन निरंतर अपह प्रतिपद्य अत्वरन त्वराम कुर्वन, इन कहीं जल्दीबाजी नहीं, आराम से जाता है। तत्तदात्मत्वेन क्लेद दाहादि शंका अभावात यथेष्टम भोगान भुंजान इत्यर्थः। तात्पर्य क्या है निर्भय का, कहते क्योंकि तत्त्व भाव को प्राप्त कर, जल भाव को प्राप्त कर गया, अग्नि भाव को प्राप्त किया, वायु भाव को प्राप्त कर रहा है, तो वहां पर तत्त्व भाव का जो गीलापन होना या अग्नि का ताप होना, कड़क बनाना पृथ्वी का इत्यादि को लेकर उसको कोई भय नहीं होता, क्योंकि तत्त्व भाव की आशंका उसके अंदर नहीं है। फिर भी वह वहां तत्त्व विमान करता हुआ यथेष्ट भोग भी कर पाता है। एवं ज्योतिर्मयो वायु उपेत्य, फिर अग्निमय होकर के वायु को प्राप्त करेगा, वायुमय होकर के आकाश को प्राप्त करेगा। काले वायवात्मना खम बृहदात्मलिंगम, जैसे भोग अवसान हो जाता है तत्तद आवरणों का, पृथ्वी लोक, वायु जल लोक, अग्नि लोक, वायु लोक, इन लोगों की जितने काल से उसे भोग करना है रास्ते में, उत्तरी उत्तर काल भोगते 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 गया हुआ है। काले वायवात्मना फिर खम वायु वायु रूपलिंग शरीर वाला होकर के वो आकाश को प्राप्त कर दिया। बृहदात्मनो लिंगम, बृहदात्मलिंगम, बृहदात्मलिंगम मैंने परमात्म मूर्तित्वेन उपासना शुक्तम, जिसको परमात्मा का मूर्ति रूपेण उपासना में कहा गया था। यद्वा वेद शब्दात्मा तस्य परमात्मकम् इति, बृहद मने बृहदात्मा वेद, उसके कथित शब्दों के द्वारा प्राप्त करने वाला जो है ऐसा खम आकाशम प्राप्ति तीर्था। बृहदात्मा है वेद, वेद का भी जो प्रकाशक ऐसा जो आकाश, आकाश तत्व से शब्द का मतलब है, इसे आकाश शब्द उत्पन्न नहीं हुआ तो आकाश शब्द हो पहले वेद रूप शब्द हुआ, इसे बृहदात्मलिंगम खम का विशेषण कर दो, ऐसा आकाश को उसने प्राप्त किया। घ्राणेन गंधं रसनेन वैरसं रूपं दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नवो गुणत्वं प्राणेन चाकोतिम् उपैति योगी। तो वह योगी इंद्रियार्थानां भूसूक्ष्माणां अतिक्रमं माह, तत्त्वं का हो गया अब इंद्रिय और तदर्थों का अतिक्रम, भूत सूक्ष्मों का अतिक्रम, पहले भूतों का वर्णन स्थूल का अतिक्रमण कर गया पृथ्वी आदि, तथा हमारे देवताओं को प्राप्त करता हुआ पृथ्वी आदि का वो पार कर गया, स्थूलों का अतिक्रमण कर गया। अब इंद्रिय और इंद्रियाभिमानी देवता, तद विषय और विषयाभिमानी देवता, या तो सूक्ष्म है स्थूल से सूक्ष्म, उस सूक्ष्म अतिक्रमण कैसे करता है, भूत सूक्ष्मों का अतिक्रमण, उसे ग्राणेन गंधम, ग्राणेन अधिष्ठितेन गंधम उपेत्य, ग्राण रूप अधिष्ठान के द्वारा अधिष्ठित होकर के वो गंधम उपेत्य, ग्राण द्वारा गंधम आविष्य, और तात्पर्य तथा अभिमानी देवताओं के माध्यम से रसनी नवई रसम, इसी प्रकार से रसनी अभिमानी के द्वारा रसाभिमानी देवता को प्राप्त करता हुआ रूपम तु दृष्टिया श्वसन त्वचैव, रूप दृष्टि चक्षु के द्वारा, श्वसन श्वास जो है त्वचा के द्वारा, श्वसनम त्वचैव, श्वसन मन स्पर्शम तगिंद्री के द्वारा, नभो गुणत्तम श्रोत्रेण, नभो गुणो शब्द को श्रोत्र इंद्री के द्वारा उपेत्य प्राप्य, प्राणेन चाकूतिम उपैति योगी, और ये योगी प्राण में तत्त्व कर्म इंद्रियों के द्वारा आकोति मन तत्त्व क्रिया में भी आपनोति प्राप्नोति इत्यर्थः। तदेव स्थूल सूक्ष्म भूतादिक्रम उक्त्वा भूत और स्थूल भूत और सूक्ष्म भूत इनका अतिक्रमण की प्रक्रिया बताने के बाद, सभूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम संसाद्य गत्या सहतेन याति विज्ञान तत्तम गुण सन्निरोधम। सभूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम मनोमयम देवमयम विकार्यम, इधर वह जो है सयोगी विकार्य संसाध्य
विकार्य को प्राप्त करने के पश्चात विज्ञान तत्व याति, विज्ञान में तत्व जो है ना, जो कैसा है वो विज्ञान, विज्ञान तत्व, वो विज्ञान तत्व महत्त्व है यहाँ पर, उसको प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है उस महत्त्व को? युविधम कार्य मसीति विकारियो अहंकार, उससे पहले महत्त्व को प्राप्त करने से पहले वो अहंकार को प्राप्त करता है। अहंकार को प्राप्त करने से पहले उसको पुर लेंगे ना, सत्रिविदा तामसो राज सात्विक इति, तामसा जड़ानी भूत सूक्ष्मानि जायन्ते, राजसों से बहिर्मुखानि देशेन्द्रियाणि असात्विकात् मनः इंद्र देवताश्च तेषां लयश्च तत्तदहंकारे, इन सब को तत्त अहंकारों में लेकर देता है। भूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम मनोमयम कह दिया, इसलिए वो सबसे पहले क्या है, वो सारी चीज मनोमय हो जाती है, अहंकार के साथ एकीभूत हो जाते हैं, और उस अहंकार के शांतम आनंदम आनंदमय अवसाने आगे ना, तो फिर क्या करेगा, बाद में प्राप्त करेगा जो, उसके लिए पूर्व में करे मनोमयम देवमयम विकारियम, इसे मनोमयम और देवमयम भी है वो, कि सात्विक अहंकार से इंद्र देवताएं और मन पैदा हुआ, इसे मनोमय देवमयम हो गया। अर्थात पहले तमोगुण तमोमय जड़ संसार से हट करके वो रजोमय सुख संसार में गया, और रजोमय सुख संसार से हट करके सात्विक होता जो इंद्रिय और देवता स्वरूप में चला गया, उससे भी ऊपर उठ करके कहां जाएगा, विकारियम माने अहंकार में पहुंचेगा, संसाद्य गत्या सहते नयाति, और एतार्ष संसाद्य, संसाद्य का तात्पर्य यहां पर क्या है, इनको प्राप्त करके, इनके प्राप्ति के पश्चात सन्निकर्षम लयस्थान तामसम प्राप्य गत्या एवं गमनेन, एतार्ष गमन के द्वारा तीन अहंकार सह उस अहंकार सहित वो कालीन हो जाएगा विज्ञान तत्त्वम महतत्त्वम याति, फिर महत्व से ततो गुण सन्निरोधम, गुणों का जो सन्निरोध लय स्थान कौन है, प्रधानम याति, प्रधान को प्राप्त करता है, प्रधान को प्राप्त करने के बाद तेनात्मनात्मनोपहीति शांतम आनंदम आनंदमयो वसाने, एषां गतिं भागवतीं गतो यः स्वयं पुनर्नेह विसज्जतिंग, हे अंगा अरे परीक्षित, तेन आत्मा मैंने प्रधान रूप से विद्यमान वह उपासक क्या करता है, आनंदमय सन आनंदमय हो जाता है, अर्थ उपाधि नाम अवसाने, जो उपाधियों के विमान पूर्ण थे खत्म, प्रधान रूप उपाधि का विमान समाप्त हो गया, उपाधियों का अवसान हो जाए तब क्या होता है, आनंद आनंदमय अवसाने, आनंदमय ने उस आनंदमय रूप जो उपाधि थी उसका भी अवसान होने पर वह शांतम आनंद मने अविकृतम आनंदम परमात्मन में वह उपैति प्राप्त होती, एताम गति भागवतीम गतो यह, और यह जो भागवतीम गतिम, एताम ये कैसी गति है, ये भगवान की भक्ति करने वालों को प्राप्त होने वाली गति उनसे भागवती गति कहते हैं, इसको जो प्राप्त कर जाएगा तो यह सवय पुनर्नहीं विचित अंग, वह दोबारा यहां जन्मादि के लिए आता नहीं है, नावर्त होती करता है। नहीं नहीं उसके बाद तो क्रम ही बता रहे हैं, तीसरे भी क्रम बताया और इकतीसवें फल बता दिया, क्रम मुक्ति का फल अद्वैतानुभूति, क्रम मुक्ति का अंत में क्या हुआ, अद्वैतानुभूति आके पर्यवसान हो गया, इसलिए अगले श्लोक में क्या रहे, श्रुति मार्ग देखो टीका, श्रुति मैंने मार्गो प्रकारो दोनों बता दिया, कौन से हेन्द्र पा आगे देखो, निर्विद्य मूर्तन विसर्जित परंगत इति या सद्यो मुक्ति सायका श्रुति, इक्कीसवां श्लोक, यदि प्रयास से शुरू करके इत्यादि ना क्रम मुक्ति से द्विविधा द्वितीय श्रुति, ये दो प्रकार की मार्ग बताई, टीका में साफ बोल रहे हैं, इक्कीसवें में 20 और 21 मिल करके सद्यो मुक्ति को बता दिए, और 20वें मार्ग था वो तरीका थी योग भेदन का, सद्यो मुक्ति की भेदन प्रक्रिया 19 और 20 में था, और 21वें में सद्यो मुक्ति बता दी गई, 22 से 30 तक क्रम मुक्ति की प्रक्रिया बता करके 31वें में फल बता दिया अद्वैतानुभूति, एते श्रुति तेंद्रप वेद गीते, या उत्तरायण कक्षा नहीं लेना, यहां ये दो मार्ग बता रहे हैं, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के मार्ग, इसे कहते एते श्रुति तेंद्रप वेद गीते त्वया विपृष्टे सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान वासुदेव, एते श्रुति ते हे नृप, ये जो वेदों में गाए गए दो मार्ग, यद्यपि वेदों में ज्यादा प्रसिद्ध क्या होता है आपका,
लोग समझते हैं उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग, यहाँ दक्षिणायन मार्ग की चर्चा ही नहीं है, यह उत्तरायण मार्ग की चर्चा और सद्यो मुक्ति की चर्चा। सद्यो मुक्ति को भी एक मार्ग के दृष्टि से कथन कर रहे हैं, सद्यो मुक्ति को भी एक मार्ग के दृष्टि करके कथन किया कि वो भी भेदन कर रहा है और शरीर के चक्रों का भेदन आदि करता होगा, सद्यो मुक्ति को पाया। यहां भी थोड़ा एक गति तो है, कर्म तो है, कुछ चिंतन के माध्यम से कर रहे थे, जैसे भी कर रहा है ना, अनेक प्रक्रिया उसको करने की। आज पढ़ते 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 अंदर होने लग जाता है खटाखट, आगे ग्रंथ को पढ़ते जाए एकाग्रता पूर्वक अंदर सब होने लग जाते। आज पढ़ते पढ़ते समाधि में पहुंच गया, रजनीश क्या था, वो भी तो ऐसे ही था, कोई और साधना थोड़ी करी उसने, अनेक जन्मों से किया था। अतः यहां लाइब्रेरी बैठे पढ़ते 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 वहीं समाधिस्थ होगा। हाँ, तीन दिन तक यूं ही बैठा रहा, पता नहीं उसको, लाइब्रेरी वाला आता था, ताला लगाता था, रोज खोलता था, फिर चला जाता था। दूसरों को भी कहा, लोगों ने कहा डिस्टर्ब मत करो, मरा तो है नहीं, गर्म है शरीर, रहने दो ऐसे ही, इसे रह रहा है, भोजन पानी कुछ नहीं है, वहां से हिला नहीं तीन दिन तक कुर्सी पर से। कोई बात पंक्ति पढ़ते पढ़ते ऐसा पढ़ा हो वहीं फंस गया और समाधि में पहुंच गया, चिंतन ऐसी ही चली अपने आप। एक दिन छह छह आठ आठ दस दस घंटा पढ़ता था, बोलते प्रोफेसर था और चिंतन थी, गुरु भी ऐसे ही थे उसकी जगह, कृष्णमूर्ति महान थे, और इतनी महानता आई इनमें ना कि प्रक्रिया से जागृत सही प्रक्रिया से नहीं हुई ना, जो जागृति हुई जो समाधि हुई उसको वो सही मार्ग से हुई नहीं, इसलिए बाद भोग में एकदम उतरा धड़ाक से एकदम। आज्ञा चक्र तो पहुंचा होगा उसे आगे बढ़ा नहीं, या कंट्री तक पहुंचा होगा, इसलिए रिद्धि सिद्धि में वो सब था उसके अंदर, सम्मोहन शक्ति बहुत जबरदस्त थी, नाम क्यों देकर कर तो एकदम मोहित कर देता था आदमी, उसकी वाणी में भी है सम्मोहन शक्ति, जो बोले तो आज भी लोग उसके कैसेट सुन पागल होते, सुनते ही रह जाते घंटों। हृदय स्थिति मिली वही वो फंस गया, खत्म, आगे बढ़ नहीं पाया। ऐसे बहुत घटनाएं हैं, ये तो प्रसिद्ध घटना में बता दिया, इसी तरह से अनेकों ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े जितने भी जो साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं ये है क्या, सबका ये हाल है। कोई पढ़ते पढ़ते चिंतन करते करते किसी चीज के खोज में लगे 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 उसी में समाहित हो जाते हैं, उनको चीज मिल जाती है, तड़क मिला तो उसमें बड़ा आनंद होता है उनको, लेकिन उसके बाद वो पतन होना शुरू हो जाता है, इसे पतन होता है। कारण है कि उनकी जो एक प्रक्रिया नहीं है, एक पद्धति से जागृत नहीं कर सका वो, अच्छे स्वतः ही जागृत हो जाती इनमें सब खतराएं होती, इसलिए विभिन्न प्रक्रियाओं से स्वतः जागृत होने का प्रयास नहीं करनी चाहिए, किंतु प्रक्रिया को भी अपनाइए और उस तरह का प्रयास भी करते रहिए, तब दोनों मिलकर के जब होता है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं कि देखो ए रहे नृप ते ये ते श्रुति वेद गीते त्वया विपृष्टे सनातन्य तेरे द्वारा पूछा गया था, और यह सनातन भी है, नित्य मार्ग सद्य मुक्ति से और क्रमुक्ति प्रक्रिया जो है ये दोनों अनादि से अनंत काल पर्यंत रहने वाला, इसी के बारे पहले ब्रह्मा जी ने पूछा था और भगवान वासुदेव जिस भी की द्वारा आराधित ब्रह्मणा ब्रह्मणा पृष्ठ आह आराधितो भगवान वासुदेव कदा पूरा आदि काल में सृष्टि के आरंभ के काल में, न तो स्वत प्रतीक्षित है मेरे द्वारा कल्पित नहीं है। इसमें क्या है, यदा सर्वे प्रभु चिंत काम आये श्रद्धा अतमृत्यु अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समष्टि सद्यो मुक्ति ही ते अर्चिर विसंभवंती इत्यान क्रम मुक्ति वेदेन उक्ता यद्वा न कर विस्तांगति आप्रवंती दक्षिण मार्ग से आप सूचित, और यह दक्षिणायन मार्ग को सूचित कर दिया था, जो उत्तरायण मार्ग से प्राप्त होते ये लोग वो कर्मी लोग प्राप्त नहीं करते, कहा था ना क्या श्लोक संख्या थी वो, कर्मी लोग प्राप्त नहीं करते हैं, जो कहा गया था 23वें श्लोक में कहा गया था, जो उत्तरायण मार्ग से लोग प्राप्त कर रहे हैं क्रम मुक्ति की ओर तैयारी कर रहे हैं, ये जो है उन लोगों को नहीं मिलता कर्मियों को, ऐसा कहा करके उनके दक्षिणायन मार्ग अलग भी कथन हो गया। तो या विपृष्टे श्रोतव्यम इत्यादि प्रश्न
अर्थान मुक्ति विषय द्वेपि श्रुति पृष्ठे, तुमने अर्थतः पूछ लिया था मुक्ति विषय दोनों मार्गों को भी, इसलिए वो भी मैं तुमको बता दिया। ब्रूही अद्वय परियम, ये भी कहा था ना, अन्य भी ऐसे मार्ग हो तो बताओ, तो भी संक्षेप में बता दिया। एवं त्वचि ये पृष्ठे थे श्रुति अन्वय नहीं यतो न्य शिव पंथा विशतः सस्रता विह वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। संसार को प्राप्त हुआ इस पुरुष को संस्रुतो, यह विशतः कि संसार को में प्रवेश कर दे पुरुषों के प्रति बहुत सारे मार्ग लोग बता रहे हैं मोक्ष मार्ग। हाँ, जितनी संप्रदाय हैं वह अपनी अपनी प्रक्रिया बता रहे हैं, और तो अनेकों धर्म भी हो रखे हैं आजकल, है ना, संप्रदाय अनेक है, पंथ अनेक है, धर्म अनेक है, सभी अपना अपना ढोल पिट के अलग अलग बात कह रहे हैं। तो क्या करूं मैं, ऐसी खिचड़ी में फंस गया। कह समीचीन स्वयं तू अयमेव, इन अत्यंत समीचीन कौन है, बस यही है। नहीं तो अन्य शिव पंथा, इससे अतिरिक्त कोई दूसरा मंगलमय शुभकारी कल्याणकारी मार्ग हो नहीं सकता। किनको, यह संस्कृत विशत पुंसा प्रति, इस संसार प्रवेश मुक्ति किया हुआ पुरुषों के प्रति, इससे अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कौन सा यह, ये तो है जिससे वासुदेवे भगवती भक्ति योग भवे, जिस मार्ग पर चलने पर आपको चलने से आपको भगवान वासुदेव में भक्ति योग उत्पन्न होता हो, उससे बढ़िया और कोई मार्ग नहीं है। ये तो अनुष्ठिता भक्ति योग भवे तो अन्य स्वरूप निर्विघ्न नास्ते। भगवान ब्रह्म कार्ष्णेन त्रिर अन्वीक्ष्य मनीषया तद्यत कूटस्थ रितिरात्मन्यतो भवे। कते आप निर्णय कैसे ले लिया, अरे भगवान ब्रह्मा को देखो, वही हमारे लिए दृष्टांत है, जो सारे चीजों को जानने वाला, उसने अंत में किया क्या, सब जानने के बाद वो देखी। ये तो लोगों में कई बार भ्रांति होती है, ब्रह्मा जी को दृष्टांत बना दें तो ठीक है, कहते चाणक्य को देखो, जिंदगी पर हिंदुत्व को लड़ा, फिर बाद में बौद्ध हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य को देखो, बड़ा क्षत्रिय तो अपनाया और अंत में जो जैनी हो गया। अंबेडकर को देखो, ब्राह्मण विरोधी रहा, शूद्र रहा, लेकिन अंत में वो भी बौद्ध हुआ, अंत में वो बौद्ध संन्यास लिया था, बौद्धों के अनुयायी हो गया। ऐसे लोग दृष्टांत बना रहे, इसलिए हम भी सब शूद्र बौद्ध हो जाएंगे बोलते हैं, बौद्ध हो भी रहे हैं, बौद्ध में दीक्षित हो। गौतम बुद्ध नगर बदल दी थी ना, इसलिए मायावती गाजियाबाद का नाम, हम बुद्ध, हम भी मानुयायी, उनसे बुद्ध के अनुयायी, बौद्ध हो जाएंगे दोबारा, सब लगे हुए हैं, फिर शंकराचार्य को आना पड़ेगा दोबारा, ये सब बन जाए ना उठपटांग, तब किसी न किसी रूप में आएंगे वो, फिर गएंगे, अरे झाड़ेंगे सबको अकल को। कभी एक बार शंख फूंक दे देते जहां तक आवाज गया गूंजता हुआ और जिन जिन के कान में गया वो सब पलट जाता था, इतनी सामर्थ्य थी, सिद्धियां थी, साक्षात शिव का अवतार इसे तो मानेंगे। खैर, तो भगवान ब्रह्मा कार्सेन त्रिर अन्वीक्ष्य मनीषया, कहते भगवान ब्रह्म या ब्रह्मा कूटस्थो निर्विकार कासरेन बुद्ध मनीषया, पूर्ण रूपेण बुद्धि लगा करके एकाग्र चित्त होकर के त्रिमय त्रीन वारान साकलेन ब्रह्म वेद मनवीक्ष, वेद का चिंतन किया। अतः ब्रह्म जो शब्द है यहां नपुंसकलिंग ब्रह्मन ब्रह्म, इसको वेद पर रख ले लो, भगवान ब्रह्मा, भगवान शब्द से प्रथम जो ब्रह्मा ले लो और ब्रह्म शब्द से वेद, तीन बार अपनी पूर्ण बुद्धि का जोर लगा करके संपूर्ण रूपेण सांगोपांग अत्यंत पर्यंत वेद का तीन बार निरीक्षण किया, विचार किया, उसके बाद बाद में क्या निर्णय लिया, तद अध्यवश्यक यथा आत्मनि हरो अतो रतिर भवेत, यथा आत्मनि हरो रतिर भवेत तदेव मनीषिया अध्यवश्यक निश्चितवान। उसी को उसने अपना कूटस्थ, भगवान का विशेषण है ब्रह्मा जी का ही, निर्विकार
ब्रह्मा विकार रहित होकर के उसने निर्णय ले लिया। क्या निर्णय लिया? जिससे भगवान में भक्ति होती है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। भक्ति हो वही, उसी बात को उसने अपने बुद्धि से निश्चय कर लिया। अध्यवस्य यथा आत्मनि रतिर भवेत तद अध्यवस्य, ऐसा नहीं होगा। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितस्वात्मना हरि दृश्येर बुद्ध्याद्भिर्द्रष्टा लक्षणेरनुमापकैहि। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित, भगवान जो है सकल भूतों में लक्षित है। केन रूपेण स्वात्मनैव भगवान हरि, भगवान जो हरि है वो सकल भूतों में। अनुभूतेत्व भगवती कथम रति स्यात् तत्रह, यदि कोई कहे अनुभूत में तो रति होती है, अनुभूत में भी रति कैसे हो, प्रेम कैसे होगा? जिसको हमने देखा नहीं, समझा नहीं, सुना सुना ही, उसे क्या प्रेम जगेगा? मन ही मन प्रेम की लड्डू बना के खाते रहे, क्या लाभ होगा? किसने कह दिया? एक बार ऐसी हुआ तमाशा, एक आया लड़का, कहता है स्वामी जी हमारी कुंडली देखो। मैं देखूंगा क्या बात है? कहते किसने कहा पंडित ने कि तुम्हें बहुत सुंदर लड़की मिलेगी? और सौंदर्य का वर्णन उसने जो भी किया होगा, इसने अपनी कल्पना और जोड़ ली उसमें। अब वो लड़की ढूंढ रहा हो, जितनी मिली कुंडलियां कोई भी लड़की सौंदर्य वाली नहीं मिली, अब परेशान। तब मैंने कहा देखो एक रास्ता है तेरी अकल को सुधारने की, तुम्हारे जैसे दिमाग में है वैसे एक आर्टिस्ट को बुला के तुम चित्र बना, देखते तेरी अकल कहीं बाहर उतरता भी नहीं है। यदि उतरे तो सही, काम काला पीला में आवे तो सही रंग में। यदि तुम उतार ही ना सको तो समझ लेना उस दिन कि तुम्हारे कल्पित रूप वाली संसार में पैदा ही नहीं हुई है। जब उतार ही नहीं पा रहे हो, तुम्हारे अपने अकल को तुम सामने ला नहीं पा रहे हो, इसका मतलब वो तेरी कल्पना है वास्तविक। और जिस प्रकार का उतरेगा ना, समझो उसी प्रकार की तेरे को मिलेगी, पक्की है। अच्छा हाँ, और कुंडली देखने कोई जरूरत नहीं, ले जाओ कुंडली। हो गया, पांच छह आर्टिस्टों को पकड़ा, पैसा खर्च किया, पैसे वाला था उसने लगाया, और अलग 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 प्रकार से उसने अपने भाव बताता था, ऐसी होगी वैसी होगी यूं होगी यूं होगी, जैसे जैसे वर्णन किया बेचार ने आर्टिस्ट, कितना कल्पना वो भी कर पाएंगे, तुम्हारी अकल की कितनी आभास ले पाएंगे शब्दों के आधार पर। उनने जैसे भी बनाया, छह आर्टिस्ट ने छह अलग अलग चित्र बना दिए, एक दूसरे से बिल्कुल तालमेल, जबकि सबको एक ही बात सुनाया उसने, और छह में से एक भी उसके पसंद नहीं आया। तब मैंने कहा देखा ब्रह्मा, तुम्हारी कल्पना को कोई समझ ही नहीं सकता, और तेरी कल्पना को कोई बना नहीं सकता, तो तेरी कल्पना के अनुसार पैदा भी हो गई है, इसमें क्या गारंटी? इसलिए जो मिल रही है उसे शादी कर ले, उसी में तेरे को सुख शांति मिलेगा, उसी को सुंदर मान लो, बस काम करते ना। अरे मानने वाली तो बात है, मैं तुम्हें दृष्टांत देता हूं, एक घटी हुई घटना बता रहा हूं। एक लड़की का शादी हुआ, अब वो फोटो में तो बड़ा सुंदर था लड़का, पाउडर ऑर्डर लगा रखे हुए, चिपका चुपक गया वो कुछ अपने पेंट पुंट करा करके, तो वो आजकल पेंटिंग बोलते उसको भी आ गया चेहरे का पेंट करना। तो फिर बाद में जब शादी हुई तो काला निकल रहा, वो श्यामला था, इतना गोरा नहीं था जैसे वो सोची थी। अब बड़ा विवाद खड़ी कर रही हूँ घर में, पंडित पर नाराज हुई, तुम तो देखा था, तुम सब जानते थे उस परिवार को, इतने वर्षों में तुम पंडिता ही करता था, तुमने क्यों नहीं बताया? तो फिर भी उन्होंने पंडित जी ने समझाया, मैं बताता क्या, तुमको पसंद आया था ना, बात खत्म थी, मैं क्या बताता गोरी गोरा था, तुम तो पूछिए क्या मेरे से, तुमने तो पूछी नहीं मेरे से गोरा है कि कैसा, तुम्हें फोटो देखा पसंद कर ले, बात खत्म हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, तुम दार्जिलिंग चले जाओ इसके साथ, पसंद नहीं है इसका सो मत, बैठो मत, बोलो भी मत, इन जाओ तो सही हनीमून। जबरदस्ती टिकट कटा करके दार्जिलिंग भेज दिया पंडित जी ने, जब पीछे पड़ गया दोनों परिवार का, जाओ दोनों। वहां जाने के बाद तीन दिन के बाद पंडित जी फोन करके पूछा उस लड़की से, तुम्हें अब कैसे लग रहा है दार्जिलिंग, जान करके पूछता है दार्जिलिंग कैसे लगा पूछ रहा है, तो लड़की क्या जवाब देती है, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ हमको यहां।
जवाब है दार्शनिक अच्छा नहीं लग रहा, बोले शब्दावली देखे मुझे सब कुछ ही अच्छा लग रहा है। तब उसने पूछा पति भी अच्छा लग रहा है, अरे ऐसा सौंदर्य कहाँ है पूछती है, ऐसा सौंदर्य कहाँ है, ये साक्षात कृष्ण भगवान है। काम हो गया, काम हो गया। मैंने कहा देख वैसे तेरे साथ भी होगा, तू भी कहेगी जो मिलेगी ना वही साक्षात मेरी राधिका है, साक्षात मेरी लक्ष्मी है बोलोगे तुम, और क्या बोलोगे, यही बोलोगे। इसे चुपचाप जो है कर ले जो मिल जाता, मन की कल्पना हटा बगल में, तो ये होता है संसार। तीसरे कहते हैं कि वो जो उसने कल्पना की वो कैसे निर्णय लिया, अनुभूत वस्तु में रति कैसे, इस पर बोल रहा था, जो अनुभूत में तो रति होगी, अनुभूत में रति कैसे होती है, कहते उसमें भी हो सकती, कल्पित है ना, कल्पित में भी रति हो गया तो उसका प्रेम, क्योंकि सामने अनुभव तो हुआ नहीं। तीसरी यहां उसी को वर्णन करें अनुभूत भगवान भी वृत्ति कैसे होगी, कहते भगवान लक्षित हो, भगवान देखा जा सकता है कहां, सर्वभूतेषु सकल भूतों में भगवान दृष्ट लक्षित है, कैसे, स्वात्मना तत्त शरीरोपाधि क्षेत्रज्ञ अंतर्यामितया च हरि लक्षित, हरे जो है अंतर्यामी रूपेण सभी का अंतकरण के रूप में क्षेत्रज्ञ रूपेण और अंतर्यामी रूपेण दिखाई देता है। दृश्येर बुद्ध्यादिभिर दृष्टा लक्षणेर अनुमाप कही कही दृश्येर बुद्ध्यादि तदेव द्विधा दृश्य दो प्रकार से दृश्य मैंने दृश्यानां जनानां दर्शनम स्वप्रकाशन दृष्टारम बिना न घटते, ऐसा अनुमान कर लो। ये जो जनता का दर्शन हो रहा है, वस्तु का दर्शन हो रहा है, वो दृष्टा के बिना नहीं हो सकता, वो दृष्टा कौन, वही आत्मा है, वही भगवान है। इस तरह से अनुमाप कही लिंग लक्षण ही दृश्य बुद्धियादि भी अनुमाप के लक्षण दृष्टा हरि ही लक्षित, दृष्टारूप हरि लक्षित हो जाता है। करणत्वात् इसे अनुमान कर देखो इति अनुपत्ति मुखेन लक्षण स्वप्रकाश अंतर्यामी लक्षक ही स्वप्रकाश अंतर्यामी के लक्षक के अनुमानों के द्वारा बुद्धियादिनि कर्तृ प्रयोज्यानि करणत्वात् वास्यादिवत ऐसा व्याप्ति मुख से अनुमान अनुमान के द्वारा स्वतंत्र कर्ता इत्यम ईश्वर सिद्धि से, और स्वतंत्र कर्ता भी कह दिया पाणिनी ने भी, तीसरी ईश्वर की सिद्धि होती है। इसलिए अनुमान प्रमाण के द्वारा अनुभूत वस्तुओं में पहले अनुमान प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि करनी पड़ती है, और फिर उसमें प्रेम बनाया जा सकता है, भक्ति हो सकती है। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान प्रणाम। आगे न जवाब के समापन कर रहे हैं इस प्रकार, इसलिए हे राजन सर्वात्मना सभी उपाधियों में आत्मदृष्टि रखता हुआ उस हरि को सर्वत्र मन सकल उपाधियों में सर्वदा सभी काल में सर्वरूपेण वही परमात्मा शहरी श्रोतव्य है कीर्तव्य है स्मर्तव्य है, किनके द्वारा, प्रणाम भगवान हरि ही, मनुष्यों के द्वारा वह परमात्मा हरि ही सभी रूप से सभी उपाधियों में सभी कालों में सभी देशों में सब प्रकार से श्रोतव्य कीर्तमंत स्मर्तव्य है। पिबंती ये भगवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु संभृतम पुनंतिते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम्। ये भगवतः आत्मनः सताम कथामृतम पिबन्ते, ये जो लोग जो श्रोतव्य के बारे में श्रवणादि फल अभिनयेनाह फलादि फल को अभिनय कर बता रहे, सताम आत्मनः सद्भूत सकल मनुष्यों के आत्मरूपेण आत्मत्वेन प्रकाशमानस्य कथैव अमृतम्, उनका कथा ही अमृत है कथामृतम्। ये भगवतः आत्मनः कथामृतम् सताम श्रवण पुटेश संवृतम विभन्ति, सताम का विशेषण कर दे रहे हैं ये, सताम आत्मनः सत्पुरुषों की आत्मा का,
और तो भक्तों के चरित्र के माध्यम से भगवान को पकड़ लो। भक्तों के चरित्र को सुनते सुनते भक्ति जगेगी, उसके द्वारा भगवान फट से पकड़ में आ जाएगा। इस सताम ने भगवत भक्तानाम भी आत्मनः माने आत्मत्वेन प्रकाशमानस्य, आत्मत्वेन प्रकाशमान जो भगवान है उसका कथामृतम ये श्रवण पुटेशो पिबन्ति, जो लोग अपने श्रवण जो है पुट के द्वारा पी जाते हैं, श्रोत्रेंद्र रूपा दोने से पी जाते हैं। और तब क्या होता है, कहते हैं विषय विदूषिता स्वयं पुनंती ते, विषयों से दूषित जो अंतकरण है उसको वे पवित्र कर डालते हैं। और व्रजन्ति तच्चरण सरोर वान्तिकम्, भगवान के जो चरण कमल है उसको वे सभी के सभी शीघ्र ही प्राप्त कर जाते हैं। तच्चरणा चरण पद्मांतिकम श्रेष्ठ पदम एव प्राप्त करता।